नमस्कार फ्रेंड्स, डिजिटल ओडिशा यूट्यूब चैनल आपन को स्वागत। आज लेक्चर में मैथमेटिक्स रो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा। जो टॉपिक रो आपन को एनटीपीसी एग्जाम हो कि आप ग्रुप डी एग्जाम हो गोटे क्वेश्चन सियोर देखा मिल से ध्यान सहित लेक्चर को ठीक से देखिए। कहीं जिते प्रकार क्वेश्चन आप एग्जाम पचार जाऊँगी सब टाइप क्वेश्चन मुझे लेक्चर मध्यम डिस्कशन करी। देखो क्वेश्चन कौन आसी थाए, कौन सी ट्रेन कौन सी मेन को पास कर थाए, कौन सी खंबा को पास कर थाए, कौन सी प्लाटफर्म को पास कर, कौन सी स्टाडिंग ट्रेन को पार कर कि आपको ब्रिज को पार कर, बहुत सारा क्वेश्चन आसी थाए। मुझ टाइप क्वेश्चन आपको डिस्कसन करी। देखो आप दूरता दिल्ली कौन हम जिते बेले कौन मेन को कि आपसी खंबा को पार करते दूरता जो कौन थे आप ट्रेन लंबा जहाँ ना ता दूरता हो ट्रेन दूरता हम ठीक अच्छे ट्रेन लंबा जहाँ दूरता आ जिते बेले कौन प्लाटफर्म को कि आप स्टैंडिंग ट्रेन कि ब्रिज कि टनेल को पास करते दूरता जो कौन थे आप ट्रेन लंबा प्लस आप जोटा दे प्लाटफर्म देते प्लाटफर्म लंबा स्टैंडिंग ट्रेन देते स्टैंडिंग ट्रेन लंबा जदि ब्रिज दे ब्रिजर लंबा बुझेगा। दुईटा मन रखुद बहुत इंपोर्टेंट जिते बेले कौन मेन कि पोल को पास कर दूरता डिस्टेंस इज्कल आप ट्रेन लंबा होता है आ जिते बेले आप कौन प्लाटफर्म को कि आप स्टैंडिंग ट्रेन कि ब्रिज कि टनेल को पास करते आप दूरता इज्कल टू ट्रेन लंबा प्लस प्लाटफर्म लंबा होता है युटा को मन रखुद ठीक अच्छे। देखो तापर आम फास्ट स्टेप क्वेश्चन डिस्कसन करवा। क्वेश्चन कौन दे 1200 मीटर लंग ट्रेन पासेस ए मेन इन 40 सेकेंड फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन कौन दे 1200 मीटर लंबा रेलगाड़ी कौन सी व्यक्ति को 40 सेकेंड में पार करता है रेलगाड़ी स्पीड ज्ञात कर केमती करेंगे। देखो मुझे कौन कही आपको 1200 मीटर लंबा रेलगाड़ी मैं रेलगाड़ी लंबा के 1200 मीटर मैंने डिस्टेंस देसी 1200 मीटर मुझे रेलगाड़ी लंबा जहाँ से डिस्टेंस को नहीं पारा ताको डिस्टेंस मैंने डिस्टेंस देसी 1200 मीटर आउ देसी कौन सी व्यक्ति को पार करेंगे 40 सेकेंड लगी था मैंने 40 सेकेंड आप टाइम दे दीजिए बोले आपको कौन मागिजी रेलगाड़ी स्पीड ज्ञात कर स्पीड कौन आप कौन करेंगे ना 1200/40 करदे ठीक अच्छे। मुझे कौन कही आपको स्पीड इज्कल टू डिस्टेंस बाय टाइम देखते करें लेंथ होते डिस्टेंस कहींपर 1200 मीटर टाइम इज्कल के 40 सेकेंड तापर स्पीड इज्कल के डिस्टेंस बाय टाइम बोले 1200/40 इज्कल टू 30 मीटर पर सेकेंड हे राइट आंसर तार स्पीड हो 30 मीटर पर सेकेंड। देखो आउ गोटे कथ मन रखुद ये 1200 मीटर देखिए 40 सेकेंड दे सामान यूनिट अच्छे ये आप कौन किसी करवा दरकार नहीं जदि आप 1200 मीटर दे था कि आप 40 मीटर पर आमर जो किलोमीटर पर आवर दे था किलोमीटर पर आवर दे था आप कौन करते आप सेकेंड में कन्वर्ट करता मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कसन करी आप बुझीपारे एट क्वेश्चन बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट टाइप नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आरंभ करने पूर्व जो मैंने चाहते मैथ्री बह कि जोटा कि आप इंग्लीश लांगुएज और ओडिया लांगुएज लिखा जाइए आपड़ या बाय करेंगे बहुत हेल्पफुल कर रेलवे एग्जाम एनटीपीसी एग्जाम ओएसएससी एग्जाम OISF जेकोसी एग्जाम दिखाँ तो बहुत हेल्पफुल कर बही जोटा कि आपड़िया और इंग्लीश लांगुएज लिखाई पूरा ट्रिक अनुजाई पाए आई बही सबकि नोट्स मिल पार ठीक अच्छे। देखिपारे आप सबकि अच्छे परसेंटेज रेसीो प्रपोर्सन एवरेज पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सबकि आपको नोट्स मिल पार यही बही में आ जहाँ भी क्वेश्चन आसूँ एग्जाम ना यही बही आपको सब टाइप क्वेश्चन देखा मिल से आप बाय करनी और घर प्राक्ट करूँ आप 30 मार्क ऑब्वियसली 20 मार्क यही बही हिं आस जो मैंने इंटरेस्टेड ना बाय करनी बहुत हेल्पफुल कर सबकि देखिपे ओडिया और इंग्लीश बोथ में लिखा जाए ठीक अच्छे। ट्रिक अनुजाई आप गोटे सेकंड रू 2 सेकंड माध्यम क्वेश्चन को सल्व करेंगे जो मैंने इंटरेस्टेड या बाय करनी बहुत हेल्पफुल कर एग्जाम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाए आपको ना आप विजिट करके बाय करेंगे डिजिटल ओडिशा edu.com यह वेबसाइट विजिट कर गोटे बैनर मिल जाए बैनर में क्लिक करके बाय करेंगे ओके। ए ट्रेन ट्रावेलिंग एट 54 किलोमीटर स्पीड क्रोसेस ए पोल इन 90 सेकेंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ ट्रेन। एक रेलगाड़ी 54 प्रति घंटा स्पीड रे गोटे खंबा को 90 सेकेंड पार कर थाए ताहले ट्रेन रो लंबा ज्ञात करो एठी देछि आपनकर स्पीड दे देछि और टाइम दे देछि ताहले आपन कोन मागिछि आपन ट्रेन रो लंबा ज्ञात करो माने डिस्टेंस मागिछि माने ट्रेन रो लंबा जहां डिस्टेंस मध्य ता केमती कैलकुलेशन करिवे मन रखंतु कहू छी आपनको
एटी देछि 54 प्रति घंटा एटी प्रति घंटा देछि एटी सेकंड देछि माने यूनिट समान करबे पड़िबो काहे कि एटी प्रति घंटा देछि माने प्रति घंटा ओ सेकंड अलग-अलग आउछि एटी अपन प्रति मिनिट पर सेकंड दा कथा माने 54 को हमें कोन करिया मिनिट रे कन्वर्ट करबा केमति कोन कैलकुलेशन करनति केन भी कन्वर्ट करते म कहितली अपन को टाइम डिस्टेंस कोर्स रे कोन करिबे 54 इनटू 5 बाय 18 करिबे जते बेले हमें बड़ रु छोटो करूछु 5 बाय 18 करबा मन रखंतु आ जते बेले छोटो रु बड़ कन्वर्ट करबा सेते बेले 18 बाय 5 गुणन करबा ठीक अच्छे जमी आम करूँ ये किलोमीटर मीटर रे 5 बाय 18 गुणन करुच्छू जदि मीटर आम किलोमीटर को कन्वर्ट करवा 18 बाय 5 गुणन करवा कि आमको कौन दे 54 प्रति घंटा मैंने आपको आम मीटर कन्वर्ट करवा 54 इंटु 5 बाय 18 बोले 18 के 18 54 आंसा 15 मीटर कहीं आम कन्वर्ट करुच्छू 90 सेकेंड देखी घंटा दे ठीक अच्छे प्रति घंटा किलोमीटर देखु आपठी मीटर पर सेकेंड होता है सेकेंड हूँ आम मीटर रो घंटा हूँ आप किलोमीटर रो मन रखु गोटे कथा मन रखु सब घंटा हूँ किलोमीटर रो आपर मीटर हूँ सेकेंड रो बुझेगा तापर देखो आप कौन दे आपको मिलीगला आप ट्रेन गाड़ी जो स्पीड मिलीगला आप टाइम मिलीगला आप ऑब्वियसली डिस्टेंस काढ़ी पारे डिस्टेंस के आप एस इंटु टी करदे मैंने 15 × 9 जो 1350 मीटर हम राइट आंसर 1350 मीटर हम राइट आंसर डिस्टेंस जहाँ आप ट्रेन लंबा ता लेंथ जोड़ के 1350 मीटर आई होप आप बुझीपारे कमी कराला यहाँ आपको गोटे डाउट लगुता मत लगुच कौटा आप जो कन्वर्ट कर सब उत्तर कौच किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर हूँ सब मिनिट रही था ठीक अच्छे आउ किलोमीटर प्रति जो मिनिट पर सेकेंड से आम सेकेंड नहीं था यहाँ मन रखुद प्रति घंटा हेल्ले आपंकरी किलोमीटर आसो आ प्रति आपंकर प्रति मिनिट आस सेकेंड आस मिनिट सेकेंड आ घंटा आसे आप किलोमीटर बुझेगा यहाँ मन रखु तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ए सुपरफास्ट ट्रेन अफ 2500 मीटर लंग क्रसींग ए लंग टनेल अफ 500 मीटर विथ स्पीड अफ 72 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड आउट द टेकन टाइम टू क्रस द टनेल देखो क्वेश्चन कौन देखी 2500 मीटर देसी आ गोटे लंग टनेल पास करुच्छे मैंने 500 मीटर रहा युटा को मिसाई देवा कहीं कौन कही जितेबाला कौन से ट्रेन पास करें टनेल को कि ब्रिज को कि प्लाटफर्म को आप मिसाई देते 2500 मिसाइल के 3000 मीटर हम यार लंगा लंग जो लंबाटा मैंने डिस्टास्टा हम 3000 मीटर तापर कौन कर स्पीड अफ दे 72 किलोमीटर पर आवर मैं देखते ये देखिए मीटर देखिए ये आप किलोमीटर पर आवर देखिए आम कन्वर्ट करा कौन थे आप मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करेंगे देखते मुझे कमी करती ओडिया में कहीदे क्वेश्चन बुझीपारे एक 2500 मीटर लंबा सुपरफास्ट ट्रेन एक 500 मीटर लंबा टनेल को 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में पार करे तो टनेल को पास करने के समय लगे आप टाइम मागिचे कौन करेंगे 2500 मीटर प्लस 500 मीटर इज गोटे 3000 मीटर हो ट्रेन रंबा बा ट्रेन दूरता एत दूरता कन्वर्ट कर मैंने पूरा से काउंट कर 3000 मीटर डिस्टेंस को से काउंट करुच्चर कौन करेंगे कहीं मिसाइले मुझे आपन को ट्रेन जितेबाला कौन से टनेल को पास करता है ट्रेन रंबा प्लस से ही टनेल लंबा को मिसा जाए तापर 70 किलोमीटर पर आवर देखिए एटी मीटर देखिए एटी किलोमीटर पर आवर देखिए आम कौन कर पड़ो एक मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर ठीक अच्छे मीटर मैंने मीटर कन्वर्ट कर 72 को मीटर करवा कौन हम 72 × 5/18 मैंने 18 जो के 18 जो 72 चार पंचा 20 सेकेंड हम रईट आंसर 20 सेकेंड आप कौन आप जो स्पीड होपर डिस्टेंस कौन हम आप डिस्टेंस 3000 मीटर टाइम लगे के 3000 × 20 इक्वल टू 150 सेकेंड लगे रईट आंसर ठीक अच्छे आप स्पीड देखिए 20 सेकेंड आपंकर लेंथ देखिए आप डिस्टेंस देखिए 3000 मीटर टाइम ऑब्वियसली काढ़ी पारे केमती आप डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाए आप टाइम इज्कल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है मैंने 3000 × 20 इज्कल टू आप 150 सेकेंड हम राइट आंसर बुझे जदि आप बुझीपारती मतलब निश्चय कमेंट कर जनइबे मुझे चेषा कर भलसे बुझाई कहीं गोटे मार्क ये टॉपिक रो शेयर देखा मिले जो मुझे 8-10 क्वेश्चन प्रोवाइड करी ये 8 क्वेश्चन आप देखी दौरान ठीक से बुझीपार्थ आप गोटे मार्क एग्जाम पक्का हो पूरा ग्यारंटी कहूँ पूरा यही बाहर गोटे भी क्वेश्चन आप बाहर आसपनी आउ जो मैंने चैनल पर नुआ आ चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे ता सहित पाखे बेल आइकन को निश्चय ऑन करेंगे जहाद्वारा आप डेली अपडेट पहुँची पार तापर देखो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन टाइप नंबर 4 ए 450 मीटर ट्रेन क्रॉस ए लॉन्ग ब्रिज अफ 150 मीटर इन जस्ट 20 सेकेंड देन व्हाट वुड बी द स्पीड अफ द ट्रेन एक 400 मीटर लंबा रेलगाड़ी एक 150 मीटर ब्रिज को पार करने जस्ट 20 सेकेंड लगी था ट्रेन र स्पीड ज्ञात करो ये आप कौन रेलगाड़ी लंबा दे
टनेल लम्बा ब्रिजर लम्बा देता सहित आप 20 सेकंड टाइम देखिए स्पीड ज्ञात कर कौन करेंगे 450 को 150 को मिसेदेवे 600 और 600 को आपड़ 20 हण करदे कहीं ये आप टाइम बोले स्पीड कमी कराए आपंकर डिस्टेंस बाय टाइम कराए माने के 600 बाय 20 जगह केत 30 मीटर हम राइट आंसर 30 सेकंड हम राइट आंसर 30 सेकंड से पार कर 30 सेकंड हम राइट आंसर देखो 450 150 600 600 टाइम के 20 सेकंड लगुच्छे देखो आप स्पीड जो कौन डिस्टेंस बाय टाइम 600 बाय 20 जगह 30 मीटर 30 मीटर 30 सेकंड हम राइट आंसर 30 सेकंड से समय लगे 30 सेकंड समय लगे बुझेगा तप देखो नेक्स्ट टाइप नंबर क्वेश्चन टाइप नंबर 5 ए 2400 मीटर लॉन्ग ट्रेन हु स्पीड वाज 60 मीटर पर सेकेंड पासेस ए प्लाटफर्म इन 50 सेकेंड देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द प्लाटफर्म एक 2400 मीटर लंबा रेलगाड़ी कौन सी प्लाटफर्म को 60 मिनिट प्रति सेकेंड स्पीड रे 50 सेकेंड पार करें प्लाटफर्म लंबा ज्ञात कर देखो दे कौन 2400 मीटर लंबा रेलगाड़ी जो जोटा कि कौन सी प्लाटफर्म को पार करने 60 मिनिट 60 स्पीड्रे 60 मिनिट प्रति सेकेंड स्पीड्रे 50 सेकेंड पार करुच्छे ताहले प्लाटफर्म लंबा ज्ञात कर देखो ये आप स्पीड दे आपंकर टाइम दे आप डिस्टेंस काढ़ी पारे इजिली 56 केते 56 जो 3000 मीटर हो 3000 मीटर हो गल आप कौन करेंगे 3000 आप 2400 काढ़ीदे कहीं 2400 हूँ ट्रेन रंबा तप 2400 जी काटिदे आप 600 हो प्लाटफर्म लंबा बुझेगा इजिली बहुत सादा क्वेश्चन आप टाइम दे आप स्पीड दे 60 मिनिट प्रति सेकेंड स्पीड माने ये आप स्पीड दे आप टाइम दे 56 30 होते 3000 होजार गले 3000 रु 2400 काटिदे 2400 काटिदे आप आंसर जीव प्लाटफर्म दूरता होती आप प्लाटफर्म लंबा होती के 600 मीटर हम राइट आंसर 80 मीटर दे 80 सेकेंड दे सामान अच्छी 80 सेकेंड दे मैंने आम कौन से कनवर्ट करा दरकार नहीं बुझेगा देखो डायरेक्ट क्वेश्चन एटा आप गोटे या गोटे ट्रेन जाऊँ पास करुँ ठीक अच्छे यहाँ गोटे आप प्लाटफर्म 2400 मीटर हो ट्रेन लंबा तापर 60 स्पीड जा 60 मिनिट पर सेकेंड स्पीड्रे जा आते मिनट समय नौ 50 मिनिट समय नौ मैं कौन करेंगे आप स्पीड दे टाइम देपर कौन करेंगे डिस्टेंस गलु आप कौन है स्पीड इंटु टाइम होता है 6 इंटु 50 के 3000 मीटर तपर आप ट्रेन लंबा के 5000 मीटर 2400 मीटर दे तापर आप इजिली प्लाटफर्म लंबा काढ़ी पारे 2400 को 3000 काटिदेवे ठीक अच्छे आंसर हो 600 मीटर हम राइट आंसर देखो 3000 माइनस 2400 जो 600 मीटर हम राइट आंसर आई होप आप बुझिपारे जदि बुझिपारे ट्रिक पसंद आसूँ निश्चय लाइक करेंगे आउ लाइक रे के कंजूस करेंगे प्लीज लाइक निश्चय करेंगे मत सपोर्ट करूँ मत भल लगे ठीक अच्छे मत पसंद लगे आपड़ी लाइक करुँचे मुझे जापरि आप बुझिपार्थ जो मैंने बुझिपार ना मत निश्चय कमेंट को जनइबे जब बुझिपार ना तप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट टाइप नंबर क्वेश्चन गोटे कथा मन रखुद टाइप नंबर जो 6 अच्छी एथेर बहुत इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन आसी था एथर आप एग्जाम कनफर्म गोटे क्वेश्चन आसव जिते बेले कौन थे गोटे ट्रेन दुईटा ट्रेन सेम गति जाऊँ एटी भी जी मन कर गोटे ट्रेन जोटा कि बी आड़ को जाठी आउ गए ट्रेन जोटा कि सी ए रु बी आड़ को जाला एम सेम ड्रेसन जाते एक स्पीड अच्छी के स्पीड अच्छी 10 आउ यार स्पीड अच्छी 20 बोले मैंने क्वेश्चन कौन देते केत मिसे एका संगे मैंने एकाठी केत मीट करेंगे मैंने दुई जन को पार करा करेंगे बोले कमी टाइप क्वेश्चन करेंगे देखो कौन करेंगे कहूँ ये जो गति दे 10 आउ 20 गति देना आप कौन करेंगे ये गतिर अंतर करेंगे सब बोले मैंने ये स्पीड आउ स्पीड्र कौन करेंगे मिशाण कर सरी कटाण करेंगे जमी 10 आउ 20 कटाण के अंतर के कटाण करेंगे अंतर करेंगे बोले आप 10 हम मैं देखो जिते बेले अपोजिट डायरेक्शन अच्छे जन एपटू जा ए आड़ बी आड़ को जा ठीक अच्छे आउ जे बी आड़ को ए आड़ को आसूँ एत बेले आप स्पीड्र अंतर कौन करेंगे आप स्पीड्र जग करदे बुझेगा यहाँ मन रखुद जिते बेले अपोजिट डायरेक्शन से प्लस करवा आउ जिते बेले सेम डायरेक्शन से माइनस करवा मैंने अंतर काढ़ा क्वेश्चन कले आप बुझीपारे देखो मुझे कहूँ आपको दुईट रेलगाड़ी 1200 मीटर तथा 1800 मीटर लंबा जीक क्रमशः 30 मीटर सेकेंड आउ जे 10 मीटर प्रति सेकेंड्रे गोटे दिगरे जाने के समय दुईज को पार करा करेंगे क्वेश्चन देटा बुझेगा क्वेश्चन कौन दे गोटे 1200 मीटर अच्छी आ गए 1800 मीटर अच्छी गोटे 30 मीटर 30 स्पीड जा जे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड जाने के समय दुईज को पार करा करेंगे देखो कमी टाइप क्वेश्चन सल्व करेंगे देखो मुझे कौन कही आपको ये बी आड़ को जाए बी आड़ को जा
ଆପଣ ବୁଝାଉଛି ଏଇ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ଗତିର ଅନ୍ତର କରିଦେବେ ମାନେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଥିବାର ଅନ୍ତର କରିଦେବେ ବୋଲେ ଗତିର ଅନ୍ତର କେତେ ଆପଣ ତିରିଶ ଆଉ ଦଶର ଅନ୍ତର କେତେ ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଆମର କୋଡ଼ିଏ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ କୋଡ଼ିଏ ଗତିରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରତା କ'ଣ ହେବ ଟ୍ରେନ୍ର ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମାଗିଛି କେତେ ସମୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାର କରାକରି ହେବେ ସମୟ ମାଗିଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଟ୍ରେନ୍ର ଲମ୍ବା କାଢ଼ିଦେବା ଦୂରତା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ର ଲମ୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ର ଲମ୍ବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଗଲେ ବି ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ମିଶା ହେବ ଆଉ ଅପୋଜିଟ୍ ଗଲେ ବି ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ମିଶା ହେବ ଆଉ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଗଲେ ବି ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ମିଶା ହେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ୍ର ମିଶାଣ କରାହେବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ର ମିଶାଣ ହେବ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ବାରଶହ ପ୍ଲସ୍ ଅଠରଶହ ଯୋଗୁଁ ତିନି ହଜାର ମିଟର ବୁଝିଲାମ ତାପରେ କ'ଣ ମାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ସ୍ପିଡ଼୍ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି ତାପରେ ଆରାମସେ ଆପଣ କାଢ଼ିପାରିବେ ତା'ର ସମୟ କାଢ଼ିପାରିବେ ତିନି ହଜାର ବାଏ କେତେ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କେତେ ହେବ ଶହେ ପଚାଶ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶହେ ପଚାଶ ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିଲା ଶହେ ପଚାଶ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ବୁଝିଲା ଯଦି ଆପଣ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇଟା ମିଶାଣ କରାହେବ ଆଉ ଆପଣ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶା ହେବ ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ଆସିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୋଗଫଳ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ବୁଝିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଠଶହ ମିଟର ତଥା ଛଅଶହ ମିଟର ଲମ୍ବା ଦୁଇଟି ରେଳଗାଡ଼ି କ୍ରମଶଃ ତିରିଶ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଆଉ ବୟାଳିଶ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେତେ ସମୟରେ ପାର କରିବେ ମାନେ କେତେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପାର କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମିଟର ଦେଇଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମିଟର ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ଦେଇଛି ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହାକେ ବୟାଳିଶ କିଲୋମିଟରକୁ ଆଉ ତିରିଶ କିଲୋମିଟର ମିଶାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ଦିଗ ଗଲେ ମିଶାଣ ହେବ ସ୍ପିଡ଼୍ର ମିଶାଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେବ ତା'ର ଅନ୍ତର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଡଙ୍ଗା ଆଉ ଧାରା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଇନସ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ବୋଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଲଗା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଇନସ୍ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ହେବ ଆଠଶହ ମିଟର ଆଉ ଛଅଶହ ମିଟର ମିଶାଇଦେବା କେତେ ହେବ ଚଉଦଶହ ମିଟର ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଲମ୍ବା ମାନେ ଦୂରତା ତାପରେ ତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଆଉ ବୟାଳିଶ କିଲୋମିଟର ମିଶାଇଦେବା ବାସ୍ତୁର ହେବ ବାସ୍ତୁର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ବାସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଯଦି କନଭର୍ଟ କରିବା ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ହେବ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଅଠର ଗୁଣନ କରିବା ଅଠର ଯେଉଁ କେତେ ବାସ୍ତୁର ତାପରେ ଚାରି ପଞ୍ଚା କୋଡ଼ିଏ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ କେତେ କୋଡ଼ିଏ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଇଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଆରାମସେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉଦଶହ ବାଇ କୋଡ଼ିଏ ଯୋଗୁଁ ସାତଶହ ସତୁରି ସେକେଣ୍ଡ ହେବ ସତୁରି ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସତୁରି ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିହେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଥରେ ଦୁଇଥର ଦେଖିବେ ଥରେ ନ ବୁଝିପାରେ ଦୁଇଥର ଦେଖିବେ ଦୁଇଥର ଦେଖିଲେ ଆରାମସେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କଲି ଏଇ ସାତଟା ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣ କନଫର୍ମ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ ୟାର PDF ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା edu.com ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ କରିକି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଏକ ଶହେ ପଚାଶ ମିଟର ରେଳଗାଡ଼ି କୌଣସି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଚାରିଶହ ପଚାଶ ମିଟର ଲମ୍ବା ରେଳଗାଡ଼ିକୁ ଛଅ ସେକେଣ୍ଡରେ ପାର କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ ଜ୍ଞାତ କର ଶହେ ପଚାଶ ମିଟର ରେଳଗାଡ଼ି କୌଣସି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍କୁ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ମିଟର ଲମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଛଅ ସେକେଣ୍ଡରେ ପାର କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ ଜ୍ଞାତ କର ଆରାମସେ ଆପଣ କାଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇପାରିବେ।